स्वाभिमान, मांगे तो मैं दे दूं जान। पर वो है कौन? मेरा भारत महान, मेरा भारत। आओ विश्व की सबसे प्राचीन वैज्ञानिक एवं विशिष्ट हिंदू संस्कृति के जन्मदाता आर्यावर्त अर्थात महान भारत की बातें सुने खुद उनके ही शब्दों में और गर्व से कहें। मेरा भारत महान, BAPS स्वामी नारायण बाल मंडल की संस्कृति दर्शक वीडियो सीरीज। आज होगा मुकाबला धर्म और धर्म के विरोधियों के बीच। सनातन हिंदू धर्म पर हो चुके हैं भयानक आक्षेप और जवाब देने जा रहे हैं पांच छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। अब इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा जानने के लिए बढ़िया आज की ताजा खबर। सुनो आज होगा मुकाबला, तो देखिए यही है वो पांच बच्चे। आप सभी देख रहे हैं कि कितना आत्मविश्वास उभर रहा है इन सबके चेहरे पर। तो अब देखना ये है कि क्या ये बच्चे जीत पाएंगे। हम जरूर जीतेंगे, भगवान हमारे साथ है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है वे है इन सबके साथ, कैसे जीतेंगे? का कहत हो हाँ, जीतेंगे तो हम ही। जरूर जीतेंगे। अगर बाहर इतनी गर्मी है तो अंदर क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए टीवी 10। तो सब प्रतिस्पर्धी बच्चे, तुम सबके जवाब देंगे ये पांच बच्चे। कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जाजा, वो दांत ही कहाँ बने हैं जो हम जैसे लोहे को चबा सके। अरे जा, लोहे तो हम हैं। गुरुशरण, हमें इस तरह जवाब नहीं देने हैं। और तू भी सुन, हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। अरे ऐसी बातें धीरज रखो भाई, धीरज रखो। बड़े आए जवाब देने वाले, किसी एक का भी जवाब दे सके तो मान लेंगे। हाँ मान लेंगे। किसी एक का भी जवाब ना दे सके तो मान लेंगे। शांति प्लीज, शांति। साइलेंस प्लीज। हाँ बहुत अच्छे। तो बच्चों अब प्रश्न शुरू किए जाए। ओके देन, तुम सब एक एक करके क्वेश्चन पूछो। हाँ, पहला प्रश्न है 1000 प्रश्न के बराबर, इसमें ही तुम पांच डूब जाओगे। हमें तैरना आता है, पूछो तो सही। हमारा आक्षेप है भगवान नहीं है। चलो दो जवाब। अच्छा तो ये दुनिया किसने बनाई जी? और ये भी बताओ जी कि इतनी बड़ी पृथ्वी कौन घुमाता है जी? बोलो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब कार्य है, तो कोई कारण तो होगा ना? है ना, कारण है। बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका, फिर सब शांत हुआ और सब बन गया। सो सिंपल बन गया ना सब। अच्छा तो ये चित्र भी ऐसे ही बना होगा?
धमाका हुआ, फिर सब शांत हुआ और ऐसे ही अपने आप चित्र बन गया। कॉमन सेंस है कि नहीं? इतना अच्छा चित्र ऐसे ही थोड़ी बनता है। तो इतनी अच्छी दुनिया बिग बैंग से कैसे बन सकती है रे बाबा? वो भगवान ने बनाई है, समझे? बजे न खाली बाजा, कोई है बजाने वाला। हाँ बजे न खाली बाजा, कोई है बजाने वाला, कोई है बजाने वाला, कोई है बजाने वाला, कोई है बजाने वाला, कोई है। बने न खाली दुनिया, कोई है बनाने वाला। बने न खाली दुनिया, कोई है बनाने वाला, कोई है बनाने वाला, कोई है बनाने वाला, कोई है बनाने। कुछ समझे क्या? अरे कान में तनिक तेल डालो। गुरु शरण, अगर भगवान है तो उन्हें साबित करो अभी के अभी। अभी के अभी। तुम यहाँ हो? क्या क्या कहो? अरे कहा ना कान में तेल डालो। गुरु शरण, साबित करो कि तुम्हारा अस्तित्व है। अरे इसमें कौन सी साबित करने वाली बात है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ तो हूँ। भगवान ने भी शास्त्र में कहा है कि मैं हूँ। मैं दिखता तो हूँ, वो कहाँ है? अय्या तुम इस रूम में बैठे व्यक्तियों को ही दिखाई देते हो, सबको नहीं जी। ये लो, तुम कहाँ हो जी? अब तुम मुझे नहीं दिखते। तुम्हें नहीं पर इन सबको तो दिखाई देता हूँ ना, इसलिए मैं हूँ। बस यही तो बात है। अय्या जिनकी आंखों पे अज्ञान की पट्टी है उनको भगवान नहीं दिखते जी, नहीं दिखते। पर जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनको भगवान दिखाई देते हैं जी, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसलिए वे है। वे नहीं है तो तुम भी नहीं हो। अरे पर मैं तो हूँ। तो वे भी है। मुझे उनका अनुभव नहीं होता। तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारा शर्ट गीला हो रहा है? क्या क्या कहा? अरे भाई को सुनता क्यों नहीं, कान में तेल डालो। गुरु शरण प्लीज। अरे यहाँ पानी नहीं है, पसीना भी नहीं है, तो मेरा शर्ट कहाँ से गीला होगा? बारिश तो हो रही है। बारिश? कहाँ है बारिश? हाँ, कहाँ है बारिश? हिमालय में हो रही है। पर इसे हमें क्या लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना है, यहाँ तुम्हें बारिश महसूस नहीं हो रही, दैट इज अ मीम दैट बारिश है ही नहीं। हाँ तो भगवान भी है, तुम्हें भले ही अनुभव ना हो। अरे लेकिन तुम सबको अनुभव हो रहा है भगवान का? क्या नहीं, हमारे गुरु पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज में हमें भगवान का साक्षात अनुभव हो रहा है। साधना करो, तुम सबको भी होगा। अरे सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी तो भगवान का विषय ही समाप्त हुआ है, अभी कई प्रश्न बाकी है। हाँ हाँ तो पूछो। भगवान है तो दुनिया में इतने सारे दुख क्यों है? बोलो बोलो। हाँ बोलो। क्योंकि लोग भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करते, और जो सच्ची भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी दुख नहीं आते, और हाँ यदि आते भी है तो उन्हें दुख दुख लगते ही नहीं है। क्या कहा? हे भगवान कान में तेल डालो प्लीज। गुरु शरण, दुनिया में इतने सारे दुख है फिर भी भगवान है? क्या आधार है इस बात का? आपके लंबे बाल। लंबे बाल? वो तो मैं कटवाना नहीं चाहता। आपके लंबे बालों को देखकर क्या कहा जा सकता है कि नाई का अस्तित्व ही नहीं है? ऐसा कहना तो मूर्खता है। बस वैसे ही दुखी लोगों को देखकर भगवान नहीं है कहना भी मूर्खता ही है। जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं
वो हमेशा सुख में ही रहते हैं, समझे? हालांकि हम भगवान को नहीं मानते, पर जो मानते हैं वो भगवान का कैसा उपयोग करते हैं। आज हर मंदिर बिजनेस सेंटर बन गया है और साधु संत भगवान के सेल्समैन। इस बात को तो हम भी स्वीकार करते हैं। क्या? कान में तेल डालो, प्लीज प्लीज। ओफो गुरु शरण, यदि तुम कहोगे कि मंदिर बिजनेस सेंटर है तो इस अर्थ में कि यहाँ सत्संग का दिव्य व्यापार होता है और इससे शांति का मुनाफा होता है। और बात सही है, साधु संत सेल्समैन ही तो है क्योंकि वे साधना की अच्छी चीजों का प्रवर्तन करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मंदिर में भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है। धंधा? धंधा? कौन सा धंधा? इतने सारे पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं मंदिर वाले? समाज की सेवा के लिए, जन सेवा और प्रभु सेवा के मंदिर और ज्यादा बनाने के लिए। यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, हमारे देश को आज देवालयों की नहीं शौचालयों की जरूरत है। क्यों भाई? अरे आज देश में कितनों का शरीर अच्छी तरह से हल्का भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो जब एक भी शौचालय नहीं होता था तब क्या करते थे लोग? पूरी जिंदगी भारी ही रहते थे क्या? इतिहास साक्षी है, दुनिया को नुकसान तन की अशुद्धि वालों ने नहीं मन की अशुद्धि वालों ने पहुंचाया है। मन की वो शुद्धि मंदिर में दूर होती है, समझे? पर मंदिर के लिए इतना खर्च, इतना? आया, मुझे 100 रुपये चाहिए। दागे तुम क्या? तनिक कान में तेल डालो, कोई सुनता है क्या? गुरु शरण है, चुपचाप बैठो जी। मैं क्यों दूं 100 रुपये? बस मुझे चाहिए। अरे पर किस लिए? बस चाहिए मतलब चाहिए, आपको देने होंगे जी। तुम ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, तो जबरदस्ती से पैसे नहीं देते आप? इस तरह कोई पैसा नहीं देता। दिस इज द पॉइंट। एक तरफ तुम बिना मतलब एक भी पैसा देने को तैयार नहीं हो और दूसरी तरफ लाखों लोग करोड़ रुपया मंदिर में दान देते हैं। बिना मतलब देते होंगे क्या? इतने सारे लोग देते, इतने वर्षों से देते, सब बिना मतलब। वाह वाह, कितनी घटिया अंडरस्टैंडिंग है। मंदिर में जाने से आपको शांति मिलती है, संस्कार मिलते हैं। हाँ, तो मंदिर की ज्यादा जरूरत है या शौचालय की? मंदिर की। एक बार तो हमारे मंदिर में आके देखो जी, सारी से पाँव तक पूरे बदल जाओगे। हाँ जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है। एक और तुम कहते हो कि भगवान हर जगह है और दूसरी ओर तुम उन्हें मूर्ति में सीमित करते हो, ये क्या पागलपन है? हाँ, इतने बड़े परमात्मा इतने छोटे पत्थर। सुनो, तुम भगवान की मूर्ति को पत्थर मत कहो। क्यों, क्यों ना कहूँ? हाँ, तुम्हारे पास पर्स है? क्या कहा? कान में तेल डालो, कान में तेल डालो। कोई सुन रहा है क्या? कान में तेल डालो। गुरु शरण प्लीज चुप बैठो। तुम्हारे पास वॉलेट है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दिखाओ। ये देखो। ये कौन है? मेरे डैडी। फोटो निकाल कर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये है तुम्हारे डैडी? हाँ जी हाँ। ये तो एक सिंपल पेपर है, एक कागज। अरे अरे कागज? और तुम्हारे पिताजी का मस्तक इतना सा है। अरे मूर्ख, ये उनकी तस्वीर है, तस्वीर। ये तो एक कागज है, देखिए देखिए सब लोग, अ सिंपल पेपर। तेरे लिए कागज होगा, मेरे लिए पिताजी है, पिताजी। और हाँ, मेरे पिताजी का अपमान करने की बदतमीजी भी मत करना। तुम भी सबके परम पिता परमात्मा की मूर्ति को पत्थर कहने की गुस्ताखी कभी मत करना। मूर्ति तुम सबके दृष्टिकोण से पत्थर है,
हमारे लिए साक्षात भगवान है। सुना सुना तुमने, साक्षात भगवान। भगवान सभी जगह रहते हैं तो मूर्ति जितनी जगह क्या खाली होगी? जी वो तो प्रमुख स्वामी महाराज जैसे ब्रह्म स्वरूप संत जब प्रतिष्ठा करते हैं तब पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। अरे सुनो सब, बीच बीच में ऐसे खड़े मत होइए, लिंक टूट जाती है ना। शांति, सब शांति बनाए रखिए, बैठ जाइए प्लीज। हाँ, अब कोई प्रश्न है क्या? है तो पूछो। हाँ हाँ प्रश्न है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। माना भगवान है, मंदिर ठीक है, चलो मूर्ति पूजा भी ठीक है, पर ये तिलक लगाना, तरह तरह के धार्मिक वस्त्र पहनना, क्या जरूरत है इन सब की? बाह्य आडंबर सब दम्भ है, दिखावा है दिखावा। तो डॉक्टर का सफेद ड्रेस भी दम्भ हुआ बराबर, पुलिस की वर्दी भी दिखावे है। हुँ? अरे हम ऐसे दम्भ और दिखावे की बात नहीं कर रहे। तो क्या बात कर रहे हो तुम? रिचुअल्स की, माला घुमाना, प्रदक्षिणा करना, दंडवत करना, अभिषेक करना, ड्रामेबाजी है ड्रामेबाजी। क्या बोले क्या बोले? बड़ों को आदर देना भी ड्रामेबाजी है क्या? जी। क्या किसी का भला करने वाले का सम्मान करना भी ड्रामेबाजी है? इन सब रिचुअल्स द्वारा हम सबसे बड़े परमात्मा को आदर सम्मान देते हैं, समझे? नहीं। कान में तेल डालो, कान में तेल डालो, अब तो हद हो रही है। गुरु शरण है, ऐसे ही बर्ताव कर रहा है तो बैठ जाओ वो कोने में। कोई सुनत ही नहीं मेरी। कान में तेल डालो। आइया तू ऐसे नहीं मानेगा जी, चल मेरे साथ चल। तो निर्णायक गण, प्रतिस्पर्धी ऑडियंस, सबसे हम माफी चाहते हैं जी। परिसर भगवान को आदर सम्मान देने वाले कई लोग मानवता पर बोझ बन चुके हैं। तुम्हें सेब खाना पसंद है क्या? कब से कह रहा हूँ कान में तेल डालो, कोई सुन रहा है क्या? गुरु शरण, अब तू कुछ बोला तो तुझे बाहर जाना होगा। कान में तेल डालो, अब तो हद हो रही है। हद तो तुम कर रहे हो। गुरु शरण अब बाहर जाएगा, चलो चलो निकलो बाहर। तुम्हें सेब खाना पसंद है? सेब? I like it। अरे छी 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 छी, ये क्या बदतमीजी है? तो अब तुम सेब कभी नहीं खाओगे? क्यों ना खाऊं? अरे सभी सेब ऐसे थोड़ी होते हैं। बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कुछ लोग गलत हो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब गलत है। एक ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या सभी अस्पतालें गलत हो गई? एक स्टूडेंट फेल हो गया तो क्या सभी विद्यालय गलत? ये क्या लॉजिक है? शांत हो जाइए प्लीज, सब शांत हो जाइए, असली मजा तो अब आएगा। अरे भाई अब तक जो था वो क्या था? नकली मजा और क्या। हमें जवाब चाहिए, क्या जरूरत है इन सारे धर्मों की? हमें भी जवाब चाहिए, क्या जरूरत है इतने भिन्न भिन्न ब्रांड के मोबाइल की? वो तो पसंद अपनी अपनी। यस, वैसे ही धर्म में भी जैसे जिसकी पसंद, सभी धर्म भगवान की ओर ही ले जाते हैं। नहीं नहीं, धर्म तो व्यक्ति को निष्क्रियता और आलस्य की ओर ले जाता है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जी और प्रमुख स्वामी महाराज, इन सब को आप आलसी कहते हो? अरे कुछ तो प्रैक्टिकल बात करो यार। व्यक्ति को निष्क्रिय और आलसी विज्ञान ने ही बनाया है। मोबाइल, कंप्यूटर, रिमोट, कार, इन सब के कारण ही व्यक्ति आलसी बनता जा रहा है। धर्म तो पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। साइलेंस, साइलेंस प्लीज। अब क्या करे? अब आखिरी शस्त्र। कौन सा? हम कहते हैं धर्म के कारण ही दुनिया में युद्ध हुए हैं। कौन कहता है कि धर्म के कारण युद्ध हुए हैं? मैं कहता हूँ। किस आधार पर? अरे इतिहास कहता है। देखना अब मैं नया इतिहास बनाऊंगा। अरे, अरे क्या कर रहे हो? धर्म युद्ध। अबे मच्छर, डिबेट इसलिए कुछ नहीं करते समझे? मैं भी इसलिए कुछ नहीं करत हूँ, वरना बदतमीज। अरे अरे तनिक धीरज रखो भाई। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? कान में तेल डालकर आया हूँ, बाहर मेरी मम्मी आई है,
का है ना हमारे कान में तकलीफ है। दवाई वाला तेल रोज कान में डालत रही, आज का हुआ जल्दी मैं भूल गया तो। पर गुरु शरण, तूने ये सब क्यों किया? उका है, ये भी हमारा आखिरी शस्त्र था। वो कैसे? ई कहत है धर्म युद्ध करावत है, पर तनिक सोचिए यहाँ जो झगड़ा हुआ इसका कारण का धर्म है। कोई धर्म बुरा करने की सिक नहीं देता, पर मेरे जैसा तमोगुणी व्यक्ति धर्म की बातों का गलत अर्थ गठन करके ऐसन करत बैठत है। जैसे ये चाकू देख लो, इससे ऑपरेशन किया जाए तो किसी की जान भी बच सकती है, पर इससे खून भी तो किया जा सकता है। दोष चलाने वाले का है जी, चाकू का नहीं। और फ्रेंड, तुम तो धर्म में ही नहीं मानते, तुम क्यों उग्रवादी बने बोलो? जी मैं, हाँ तो समझने वाली बात यह रही, धर्म युद्ध नहीं करावत है। व्यक्ति के राग द्वेष अहंकार स्वार्थ लोभ यही दोष युद्ध करावत है। तनिक भेजे में बात उतरी का नहीं? तनिक याद करो भगवान बुद्ध को, जिन्होंने राजा अशोक को अहिंसक बनाया था। याद करो प्रमुख स्वामी महाराज को, जिन्होंने अक्षरधाम पर हुए आतंकवादी हमले पर भी शांति बनाए रखने की आज्ञा दी। सच्चा धर्म युद्ध रोकत है, कभी युद्ध नहीं करावत है, समझे का? हमें कहने योग्य कुछ नहीं है, हम इन पांचों बच्चों को विजयी घोषित करते हैं। वाह बच्चों वाह, कांग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब दोनों ग्रुप के बच्चे एक दूसरे से गले मिलेंगे। आओ आओ बच्चों, गले मिलो आओ। हम तैयार है, पर यह लोग नहीं कर सकत। हम करेंगे, हम जरूर करेंगे, पर ई तो कहो का करेंगे? कान में तेल डालू? हमारी भी जीत हुई है। क्या? कानों में तेल डालिए, ये देखो। अरे अरे अरे, नारायण नारायण। हाँ भाई, हम, ये सब हमारी रची हुई माया थी। हम देखना चाहते थे कि हमने आपको जो ज्ञान दिया वो आप में उतरा है कि नहीं। हम सफल हुए। यदि हर एक हिंदू धर्म को इस तरह अच्छी तरह से समझे और उसे जीवन में लाए तो किसी की भी ताकत नहीं है कि वो हमारे धर्म को कुछ भी कर सके। कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में कोई भी प्रश्न पूछे, जवाब है, भले ही हमें ना आता हो। अब तुम सबको हमारी जरूरत नहीं है, पर आप हमसे मिलते रहना। जरूर। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण।